हम प्यार का जश्न मनाने के लिए एक पूरा दिन क्यों समर्पित करते हैं? एक समृद्ध यात्रा में आपका स्वागत है जो हमें वेलेंटाइन डे की जड़ों की ओर ले जाती है। एक दिन जो इतिहास, परंपरा और निश्चित रूप से प्यार से भरा हुआ है। वेलेंटाइन डे, जिसे दुनिया भर में प्यार के दिन के रूप में जाना जाता है, वह हमेशा से ऐसा नहीं था। गुलाब, चॉकलेट और दिल के आकार के कार्ड, वास्तव में इसकी उत्पत्ति रोमन साम्राज्य से हुई है। रोमन ने फरवरी के मध्य में लुपुक्लिया नामक एक त्योहार मनाया था, जो ईसाई धर्म के प्रसार के साथ प्रजनन क्षमता का एक उत्परिस्त त्योहार था। चर्च ने इस उत्सव को ईसाई बनाने के बारे में सोचा, जिससे संत का उदय हुआ, वेलेंटाइन डे। लेकिन ये संत वेलेंटाइन कौन था? इसका उत्तर इतना सीधा नहीं है जितना आप सोच सकते हैं कि पूरे इतिहास में कई वेलेंटाइन हुए हैं। लेकिन जिसे हम प्यार से जोड़ते हैं, वह एक पुजारी था जिसने रोम में तीसरी शताब्दी के दौरान सम्राट के आदेश को परिभाषित करते हुए सेवा की थी। युवाओं को यह विश्वास करते हुए विवाह करने से प्रतिबंधित किया गया कि अकेले पुरुष बेहतर सैनिक बन सकते हैं। संत वेलेंटाइन ने गुपचुप तरीके से युवा प्रेमियों के लिए शादियां की, अवज्ञा का एक कार्य जिसके कारण उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन उन्होंने उन्हें प्यार के प्रतीक के रूप में अमर बना दिया। सदियों से वेलेंटाइन डे विकसित हुआ है, ये रोमांटिक प्रेम से जुड़ा हुआ है। उच्च मध्य युग में उस समय के रोमांटिक साहित्य की बदौलत 18वीं शताब्दी तक यह एक ऐसे अवसर के रूप में विकसित हो गया था, जहां प्रेमी एक दूसरे के लिए फूलों की मिठाइयों और ग्रीटिंग कार्ड के माध्यम से अपना प्यार व्यक्त करते थे। आज वेलेंटाइन डे दुनिया भर के कई देशों में मनाया जाता है। प्यार का इजहार करने का दिन सिर्फ रोमांटिक पार्टनर्स के लिए ही नहीं, बल्कि दोस्तों पर...